दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल पंडित नगला एवं वाजन नगर ब्रांच में छोटे बच्चों के लिए एक नाइट कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया एवं उसका लुत्फ उठाया। कैंप में बच्चों ने विभिन्न प्रकार के ट्रेडिशनल खेल जैसे गेंदलाड़ी, सतगुड़ी, पोटिका, कैरम, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, रोप स्किपिंग, रस्सी पर चढ़ना आदि खेलों का लुत्फ उठाया। खेलों के साथ ही सभी बच्चों के लिए घुड़सवारी, पूल पार्टी, जंपिंग, मिक्की माउस, बाथटब व तरह तरह के झूलों का भी प्रबंध किया गया, जिसका सभी बच्चों ने भरपूर आनंद लिया। सभी बच्चे इन सब चीजों को देखकर बहुत उत्साहित हुए। साथ ही बच्चों के लिए पौष्टिक खाने पीने का भी प्रबंध किया गया था। सभी बच्चों को स्कूल ऑडिटोरियम में प्रोजेक्टर के माध्यम से एक मूवी भी दिखाई गई तथा स्वास्थ्य संबंधित टिप्स दिए गए। इस कैंप के आयोजन का उद्देश्य बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मानसिक व शारीरिक विकास को बढ़ावा देना था। बच्चों का रोजाना स्कूल आना इसी बात पर निर्भर करता है कि बच्चे स्कूल में कितना मनोरंजन एवं पढ़ाई करते हैं। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य मुनीरा सिद्दीकी ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन विद्यालय में अति आवश्यक हैं, क्योंकि ये बच्चों के मानसिक व शारीरिक विकास में योगदान देते हैं। स्कूल के डायरेक्टर एडमिन विंग कमांडर मंसूर सिद्दीकी ने आयोजन को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी अध्यापिकाओं के कार्यों की सराहना की तथा विभिन्न प्रकार के खेलों में जीतने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में जितेंद्र प्रकाश के साथ नायला अफजल, नीना भटनागर, फराह मोहक्कम, उमा शुक्ला अफजल, रमशा जारा अफजल, बुशरा शाजिया आदि टीचर्स का योगदान रहा। जी, मेरा नाम विंग कमांडर मंसूर सिद्दीकी है और मैं दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल में डायरेक्टर काम करता हूँ। हमारे स्कूल में कल एक बच्चों के लिए नाइट कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ के बच्चों के लिए ऑप्शनल प्रोग्राम था। इसमें वाजिद नगर ब्रांच और पंडित नगला ब्रांच के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। मोर देन 120 बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था उन्होंने, और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा इसके अंदर, क्योंकि सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो था वो था नाइट स्टे का बच्चों के लिए। तो हमने स्कूल में ही उनके लिए क्लासेस में नाइट अरेंजमेंट किए थे, जिससे कि वो यहीं पे रात को सो सके एयर कंडीशन कमरों में। उनके लिए लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट और बीच में रिफ्रेशमेंट सभी स्कूल में अरेंज किया गया था। तो इस एक्टिविटी, इस कैंप के अंदर बेसिकली उनको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करनी थी उनसे, और उनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर हमने काम किया, जिसके लिए हमने कुछ गेम्स और एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर रखे थे। प्लस उनको ऑडिटोरियम में मूवी भी दिखाई गई और उनको एक इंडिपेंडेंट पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपोजर दिया गया, जिससे बच्चों ने एक एक नंबर वाइज आकर स्टेज पर, माइक पर अपने अपने व्यूज एक्सप्रेस किए, उनको कैसा लगा। उसके अंदर एक उनसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई है। उनके लिए सुबह में फिर 9:30 बजे उनको फिर वापस भेज दिया गया। उनका नाइट का स्टे जो था वो उनके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था। वो अपने फ्रेंड्स के साथ क्लासरूम्स में सो रहे थे, उनमें पर हमने मैट्रेसेस वगैरह लगा दिए थे। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड थे, बड़े खुश थे, और अभी बाकी बच्चे जो थे उनकी तरफ से भी डिमांड आ रही है। बड़े बच्चे भी कह रहे हैं कि हमारा भी इस तरह का कैंप होना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम आफ्टर समर वेकेशन विल कंसीडर दिस अगेन एंड मे बी नेक्स्ट ईयर विल हैव अ बिगर कैंप। तो इट वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर देम, इट वॉज फन एज वेल। तो ऑल आवर टीचर्स हैव डन ए वंडरफुल जॉब और उन्होंने बहुत अच्छा इसको अरेंज किया और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, और बच्चे सेफली और खुशी खुशी अपने घर